दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग ट्रू कॉलर से जो है कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आप लोग की कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है वो देखना चाहते हैं और आप लोग उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि ट्रू कॉलर की जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो कहाँ सेव होती है और आप लोग उनको कैसे सुन सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है, तो जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूँ ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है और आप लोग इन कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज यहाँ पे अगर आप लोग ने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोग को जाना होगा अपने फाइल मैनेजर में। अब गाइस फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ मिलता है लोकल फाइल, लोकल फाइल पे क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे ये लोडिंग होगी तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को म्यूजिक का एक फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है TC कॉल रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब गाइस ये आप लोग की जो है ट्रू कॉलर की सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। ठीक है गाइस, अब आप लोग इन कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए यहाँ पे, जो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सुनना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग यहाँ पे ट्रू कॉलर की कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से और कैसे सुन सकते हैं। गाइस अगर आप लोग को ट्रू कॉलर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।